मरकजी हुकूमत की तरफ से बनाए गए वन नेशन वन इलेक्शन पैनल में DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद की नामजदगी के बाद अपोजिशन पार्टियां ये कहकर गुलाम नबी आजाद को निशाना बना रहे हैं कि इस कमेटी में इनकी शमूलियत से साबित होता है कि आजाद BJP के एजेंट और बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। ताहम DPAP लीडरान गुलाम नबी आजाद का ये कहकर दिफा कर रहे हैं कि वो एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं और इसी वजह से इन्हें कमेटी में शामिल किया गया है। वादरे के पैनल में दीगर मेंबरान के अलावा आजाद के साथ साथ सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का भी नाम शामिल है, मगर इन्होंने पैनल का हिस्सा बनने से इनकार किया है। मेरे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी, सीनियर जनरल सेक्रेटरी और ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं RS चिब। चिब साहब, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सीधा सवाल यह है कि गुलाम नबी आजाद को जब से इस वन नेशन वन इलेक्शन का पैनल का हिस्सा बनाया गया है, तब से अपोजिशन पार्टी जो आपके अपोनेंट्स हैं वो अब सीधे कह रहे हैं कि देखिए ये तो दिख गया कि वो बी टीम है BJP के। देखिए ऐसा है, आपको याद होगा कि आज से एक साल पहले जब गुलाम नबी आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का गठन किया तो उस समय भी खासकर विशेषकर कांग्रेस की नीति ये थी, कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां भी जो रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये फ्रॉम द डे वन दे हैव बीन ब्लेमिंग हिम, दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट हिम कि भाई उनके बारे में ये बात करते हैं कि ये BJP की बी टीम है, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी उसको ये कहते हैं। आज देखिए ये जो वन नेशन वन पोल की जो कमेटी बनाई गई, भारत सरकार ने जो कमेटी बनाई या प्रधानमंत्री जी ने जो कमेटी बनाई, तो उस कमेटी का मकसद है कि वो देखना चाहते हैं कि इसमें कैसे हो सकता है कि हमारी नेशन में एक ही बार जो है वो इलेक्शन करवाए जा सके। और ये होता रहा, 67 तक ऐसे चल रहा था, 1967 तक तो चल ही रहा था कि एक ही बार सारी इलेक्शंस होती थी, उसमें असेंबली इलेक्शन भी आती थी, पार्लियामेंट इलेक्शन भी आती थी, और विशेषकर मैं कहूंगा कि उसमें यहां तक सिक्योरिटी का सवाल था, एक्सपेंडिचर का सवाल था या इलेक्शन कमीशन के खर्चे का सवाल था, तो काफी उसमें खर्चा कम होता था। एक लीडिंग अपोजिशन पार्लियामेंट की थी कांग्रेस, उसका भी उन्होंने सदस्य रखा, श्री अधीर रंजन चौधरी जी को रखा, लेकिन उन्होंने बाद में इनकार कर दिया कि हम इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वजह उसकी यह है, कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती कि इस देश में कोई रिफॉर्म हो। बशीर साहब, कल ये जो नॉमिनेशन की गई है मेंबर्स की, उसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट गुलाम नबी आजाद का, उनको भी उसमें रखा गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप पहले से बात कर रहे थे कि वो उनके साथ मिले हुए, इनके तार मिले हुए हैं BJP से, ये बात सिद्ध होती? कल जो कमेटी तश्कील दी गई है, बाकियों का क्या इसके मतलब ख्याल है, लेकिन जब हम इसको कमेटी के मेंबरों को देखते हैं तो लगता है कि BJP एक सेट माइंड से काम कर रही है और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। इस तरह के बिल में पहली चीज मैं समझता हूं, डेमोक्रेटिक मुल्कों में अपोजिशन छोटी हो या बड़ी हो उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि हमने अब ऐसा करना है, आपकी राय क्या है। उसमें प्राइम मिनिस्टर हो या कोई ये जो लोग होते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हों वो उनको बुलाया जाता है, स्पीकर्स हों कि आप बताइए भाई आप कैसा होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये BJP ने जब ये तश्कील दी, ये दो चार दिनों में जो ये बात हो रही है और उसमें जो मेंबर आए, मुझे नहीं मालूम कांग्रेस ने क्या किया, कैसे वो सोचते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से जब आजाद साहब का नाम पड़ा तो मुझे थोड़ा सा हैरानगी हुई, लेकिन हैरानगी नहीं हुई। हैरानगी इसलिए नहीं हुई कि आजाद साहब ने जब कांग्रेस को छोड़ा और जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिक्स शुरू किया तो वो छोटे से छोटा बच्चा भी समझता है कि ये एक मिशन के तौर पे काम कर रहा है, तो वो मिशन का मतलब है कि सेकुलर वोट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है BJP को। वो BJP, आपको शायद याद होगा कि जब आजाद साहब का
यहाँ शुरू हो गया तो गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा पैकिंग शुरू की। तो सबसे पहला बयान अल्ताफ बुखारी का आया कि ये कहां से आ गया, आपको ना शब्द सुना होगा। तो जाहिर है कि पहले बुखारी साहब इसमें थे, सज्जाद लोन साहब थे, तो अब जब आजाद साहब हो गए तो गवर्नमेंट इसको पूरा हर एक किस्म की फैसिलिटी दे रही है जो बाकी को नहीं है। तो अब उस कमेटी में शामिल किया जा रहा है, तो मेरे लिए कोई, मुझे नहीं लगा कि ये कोई अजीब सा है। ये चूंकि जब से पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, ये मोदी जी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। लोकसभा के रुकन और सीनियर बीजेपी लीडर जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि अगर अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के रुकन बने हैं तो कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुलाम नबी आजाद पहले अपोजिशन लीडर थे और अधीर रंजन चौधरी इस वक्त पार्लियामेंट में पार्टी लीडर हैं। इन्होंने कहा कि अवामी फंड्स के गैर जरूरी इस्तेमाल को रोकने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का नजरिया अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद को शामिल किया गया है और उसके बाद कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा हो गई है, इस पे हम बात करेंगे। लोकसभा एमपी जुगल किशोर हमारे साथ मौजूद है। वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी है उसमें गुलाम नबी आजाद का आना क्या दर्शाता है? देखिये, जब देश आजाद हुआ और उस समय भी ये एक सोच थी कि भाई वन नेशन और वन इलेक्शन के नाते देश को आगे लिया जाए, और वो क्रम जारी रहा। बीच में ये टूट गया था। मुझे नहीं मालूम कि वन नेशन वन इलेक्शन का ही आगे आने वाले दिनों में कोई ऐसा प्रपोजल या कोई ऐसी योजना है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम उसका वेलकम और स्वागत करेंगे। उसके कई कारण है। देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है और इसके कई प्रदेश हैं और एक नेशन है। पार्लियामेंट के इलेक्शन तो 5 साल के बाद होते हैं, लेकिन यहाँ पर विभिन्न स्टेटों के इलेक्शन जो है, कोई इलेक्शन 2 महीने के बाद, कोई इलेक्शन 3 महीने के बाद, और बार बार इलेक्शनों का दौर जो है वो चलता रहता है। उससे नुकसान ये होता है कि जो कर्मचारी इलेक्शनों में लगते हैं वो अपना जो दायित्व उनका जहाँ बनता है उसे छोड़कर उन्हें इलेक्शन के कार्यों में लगना पड़ता है। और फिर आपने देखा होगा कि विकास के जो कार्य हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद विकास के कार्यों भी रुक जाते हैं, और इसके अलावा भी पैसे का भी जो बड़ा खर्चा जो है वो देश पर बोझ पड़ जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसका वेलकम करेंगे। गुलाम नबी आजाद का इस कमेटी में शामिल होना क्या दिखाता है? आपको लगता है कि भाजपा की तरफ जो कि विपक्षी पार्टियां कहती है उनका झुकाव है, आप वो सही साबित होता है? नहीं नहीं, देखिए, पूर्व राष्ट्रपति इसके एक मेंबर बने हैं और ये पूर्व राज्यसभा के अपोजिशन के लीडर थे, ये एक मेंबर बने हैं। वर्तमान में जो इस समय अपोजिशन के लीडर हैं अधीर रंजन जी, वो इसके मेंबर बने हैं, और भी बहुत सारे मेंबर बने हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई ये सब की सलाह लेने के बाद, विचार बनाने के बाद एक सहमति बनाई जाए और अच्छे अच्छे सुझाव आए ताकि हमारा देश जो है वो तरक्की करे, आगे बढ़े और अपने आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े और आत्मनिर्भर हो। अच्छी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बाकी जो एनसीए पीडीपी जो इसको अपोज कर रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम ये कर रहे हैं तो ये कहेंगे ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं सरकार की सोच बनी वन नेशन वन इलेक्शन तो ये कहेंगे ये क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं करते। इनको तो विरोध करना है, किसी भी बात का विरोध करना है, सही बात को भी सही नहीं ठहराना है। यही आज मानसिकता जो है वो अपोजिशन और विपक्षी की बन चुकी है, जो देश हित में नहीं है। विपक्षी पार्टियों की कोशिश है कि सियासत करनी है इस मुद्दे पर, और सियासत की जा रही है, लेकिन गुलाम नबी आजाद जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, इसलिए उनको इस कमेटी में जो है वो सदस्य बनाया गया है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कहना है जुगल किशोर, जो लोकसभा सांसद हैं। कैमरामैन सदा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। बाडीपुरा में फुटबॉल खेल से ताल्लुक रखने वाले जिम्मेदारों ने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से जूनियर बॉयज नेशनल चैंपियनशिप अंडर 16 के सिलेक्शन लिस्ट में धांधलियों का इल्जाम आयद किया। लिस्ट में ऐसे खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया जिसने ट्रायल्स में भी शिरकत नहीं की। गांव देहात के खिलाड़ियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। न्यूज 18 ने स्पोर्ट्स काउंसिल और फुटबॉल एसोसिएशन के जिम्मेदारों से बातचीत की कोशिश की, तहम इस मामले में वजाहत देने के लिए कोई सामने नहीं आया। जेके अपनी कुछ टाइटल निकाली थी अंडर 17 के लिए, बीसी राज्य चैंपियनशिप के लिए,
उसमें से तमाम डिस्ट्रिक्ट से लड़के गए ट्रायल्स के लिए और हमारी डिस्ट्रिक्ट से भी 2-3 लड़के गए ट्रायल्स के लिए। तो 2 लड़के हमारे सिलेक्ट उसमें हुए थे। तो 10 दिन उन्होंने वहाँ कैंप में उन्होंने रखा, उन्होंने JKFA वालों ने 10 दिन उनको रखा कैंप में। तो आफ्टर सिलेक्शन जो ट्रायल्स में वो सिलेक्ट हुए तो फिर 10 दिन उनको रखा वहाँ कैंप में। तो कैंप में रखने के बाद कल उनको बोला गया कि आप घर जाइए तो हम आपको कॉल करेंगे। तो जब वो घर अभी पहुँचे भी नहीं थे कि उन्होंने लिस्ट निकाला, तो लिस्ट में क्या था कि लिस्ट में एक लड़का है जो कि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से बिलोंग करता है, उसको लिस्ट में ऐड किया गया और जो बाकी लड़के थे उनको वो बेचारे नाउम्मीद हो गए। हमारी बस यही राय है कि जो कि हमारा बांडीपोरा है, हमारे बांडीपोरा को हर बार नज़रअंदाज किया जा रहा है। जितने भी हमारे लड़के हैं बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, लेकिन क्या बदकिस्मती है कि आज यही सुनने में आया है कि कोई गांदरबल का लड़का उसको सिलेक्ट किया गया, जबकि वो ट्रायल्स में भी नहीं था। हमारे लड़के ने ट्रायल्स भी दिए और 10 दिन का कैंप भी किया वहाँ। तो आपकी वसादत से बस यही कहना चाहते हैं हम सपोर्ट्स कौंसिल मैम नुसरत गुल जी से, अगर आपको वही इन्हीं लोगों को वहाँ बिठाना है जो ये अपने आप को प्रमोटर कह रहे हैं फुटबॉल प्रमोटर, तो ठीक है, तो हमें फिर खेलने की क्या जरूरत है, क्यों बुला रहे हैं हमें बार बार वहाँ से, हमारे बच्चों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, स्कूल छोड़ दिया उन्होंने। और आज जब हमने लिस्ट देखा लिस्ट में कोई गांदरबल का कोई लड़का जो भी ट्रायल में भी नहीं था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोडा पुलिस ने 8 दहशतगर्दों पर की दाखिल चार्जशीट। पाकिस्तान से काम कर रहे दहशतगर्दों के ऊपर कसा भारत ने शिकंजा। LTEHM कमांडरों समेत अहम दहशतगर्दों पर कार्रवाई, UAPA एक्ट के तहत की बड़ी कार्रवाई। डोडा में SIA की बड़ी कार्रवाई, डोडा से मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। फिरदौस अहमद वानी और खुर्शीद मलिक नामी दहशतगर्द गिरफ्तार, 48 घंटों में जुमला 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, लोगों के लिए मुवाफिक और रियासती दर्जे की बहाली। पिछले एक महीने से बारिश न होने की वजह से पुलवामा के कई देहातों में खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसकी वजह से धान की फसल को नुकसान हो रहा है। पुलवामा के सिरनो और मुलाकात देहात में बेशतर नहरें खुश्क हो गई हैं, धान की फसल को खुश्क साली का सामना है। किसानों का कहना है कि नदी नालों में रेत के गैर कानूनी निकासी की वजह से पानी की सतह में कमी आई है, नहरें खुश्क हो गई हैं, जिसका असर ज़राअत बागवानी शोबे पर देखा जा रहा है। अद गो पत्मे मान मे बसान डोड़ रेत पे आब गसनस ये जन आब गोस वे मान पत्म पथ कुन प्रूदमुत मानस तो बेहस वन 15 सेप्टेम्बर तक गोस आब आ क्लियर रोजन वन सफेद जमीन दान हूँ वन दजन वन कहें मान रूद पे पो रेत पे डोड़ रेत पे कहें वन कहें आब ये कल वस आब कहें कल सौ वारानी सही गुत हम अत वजूहत यी यह आड़ मज आब ये आड़ मज मशीन कर तुझे रूड वूड गई दो बोन कुन कल लेवल गई हर तो आब कलन खसान कहें वजह ये सग वो कहें यह खाड़ माय कहें अत बन हट माय खाड़ कहें यह गज खराब सही अत नये ये गास हुकमत सूच नूर कहें क्या ये जमीन लाड टक सही ये अत आम टक माय खोड़ कहें गए अत खत सो मोश तिहन अत ना रोज कहें सोख दानस ये वजह अगर वो पे ये कॉली वाली कह हिसाब गरी ग दि ओर दब सक ग 15 सितंबर तक गोस आब ग नाज पे नी कहीं पे अच्छे दाम फसल सोरी पसार। गुरेज में फौज की जानब से मुकामी नौजवानों के लिए गुरेज से लेकर दराज तक कार रैली अख्ताम पजीर हुई। यह कार रैली तुलैल में काबुल गली के रास्ते दराज तक मुनद की गई, जिस दौरान कार रैली में शामिल अफराद ने उन इलाकों का दौरा किया जहां पर शीना जबान बोलने वाले लोग रहते हैं। कार रैली में शामिल लोग द्रास के मुख्तलिफ इलाकों में अपने तहजीब व तमदन देखकर और अपनों से मिलकर काफी खुश हुए। लोगों ने फौज की जानिब से द्रास तक कार रैली मुनद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। हम यहां आए थे 6 दिन पहले, हमें आने वालों ने टूर के लिए लिया था। हम यहां से गए, पहले काबुल गली के रास्ते से गए, हम द्रास
वहाँ पर हमें लोग हमारी लैंग्वेज के जो लोग थे हमें वो मिले, हमें उनके साथ बहुत अच्छा लगा। हम पहले लोग हैं जो कॉबुल गली के रास्ते से द्रास गए, हम द्रास गए, लद्दाख गए, क्या बोलते हैं, दार्जिलिंग और कारगिल गए, हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा। मेडर के दूरदराज इलाके गलहोता में बिजली का करंट लगने से 40 साल अफराद जख्मी हुआ है, जिसका इलाज सब जिला अस्पताल मेडर में चल रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि गुलाम मुर्तजा वल्द मोहम्मद नसीर अचानक घर के पास बिजली के तार के जद में आ गया। बिजली के करंट का झटका लगने से मुर्तजा शदीद जख्मी हो गया। लवाकिन ने इसे फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल मेडर में पहुंचाया, जहां पर वजीर इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक मुर्तजा की हालत अब खतरे से बाहर है। सुबह हमारे पास एक पेशेंट आया, हिस्ट्री है इसकी, इसको इलेक्ट्रिक करंट लगा है कहीं घर में, तो अभी फिलहाल ये स्टेबल है। हमारे पास SDH मेंटर में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी स्टेबल है, हमने रिजर्वेशन में रखा हुआ है। अगर कुछ फर्दर नीड आती है इसको रेफर या आगे भेजने की तो हम उसके बाद देखेंगे, फिलहाल अभी स्टेबल है और ट्रीटमेंट चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत पर जिला इंतजामिया की जानिब से 3 रोजा डिजिटल वीक मुहिम मुकम्मल हो गई, जिसके अख्तितामी तकरीब की सदारत नोडल अफसर डिजिटल मुहिम जाकिर हुसैन ने की, जबकि वजाहत हुसैन काजमी मुनसिब जज और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज इसके मेहमान खसूसी थे और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और वहां पर मालूम हासिल की। फराहम की जाने वाली खिदमात के बारे में इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद पर जिला इंतजामिया की तारीफ की और कहा कि इससे लोगों को काफी फायदा हुआ है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल सब्सिडी पार्टी की तरफ से कैपेसिटी सेक्रेटरी जो है यहाँ आज इस फीचर वीक में आया हूँ और पूरे स्टॉल्स का हमने दौरा किया, इंस्पेक्शन की और देख के बड़ी खुशी हुई कि हर डिपार्टमेंट जो है वो बड़े बेहतर तरीके से सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स जो है वो उनको हर तबके तक, हर ग्राउंड फ्लोर तक और हर उस इंसान तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। डिजिटल वीक का जो मेला लगा है बस स्टैंड पुंच में, इसमें यहाँ पे हमने आके देखा कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके बारे में शायद मुझे खुद मालूम नहीं था, और स्पेशली जो रेवेन्यू की और कुछ जैसे CSC की जो स्कीम्स हैं जिसमें एंड टू एंड एक कोई भी एप्लीकेशन या सर्टिफिकेट है उसको आप ऑनलाइन अप्लाई करके उसको आप फ्राहम कर सकते हैं, आपको तहसीलदार ऑफिस या पटवारी के पास जाना। दूरदराज इलाके में रहने वाले लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने की कोशिश में फौज ने गंदो भलीसा के चनवारी पंचायत में एक मेडिकल कैंप के साथ साथ वेटरनरी कैंप का भी एहतमाम किया। मुकामी लोगों, बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों की एक बड़ी तादाद ने कैंप में शिरकत की। आर्मी डॉक्टरों और नर्सिंग असिस्टेंट ने दूरदराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तमाम मरीजों का इलाज किया। डॉक्टर परवेज और अमले ने फौजी डॉक्टर पठानिया के साथ अनथक मेहनत की और जरूरी मदद फराहम की। मेडिकल कैंप को मुकामी लोगों और आसपास के देहात के तकरीबन 600 अफराद का जबरदस्त रद्दअमल देखने को मिला। आर्मी ने यहां कैंप लगाया, मेडिकल कैंप और वेटनरी का भी लगाया, तो ये दोनों कैंप यहां लगाए। हमारा बहुत दूर दराज एरिया है, यहां पर फार फ्लंग एरिया है, यहां पर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इस किस्म के कैंप्स यहाँ लगाएं और हमारे गरीब लोग जो हैं यहाँ से अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ उनका सही ढंग से इलाज, वो फिलहाल तो गरीब लोग जो हैं इतनी दूर नहीं पहुँच पाते हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो पूरे देश को संभाल रही है। और साथ में आप देखो कि हर गांव में आके पूरे हमारे पास इधर चौरी पंचायत में आके पूरा इलाका जो तोता यहाँ पे आया हुआ है और वहाँ पर फ्री दवाइयाँ जो है वो दिए जा रही हैं, और मैं पूरा इलाका इन आर्मी वालों का, इंडियन आर्मी वालों का धन्यवाद करता हूं और साथ में वेटनरी वालों का भी धन्यवाद करता हूं। पूरा दूर दूर तक हमें यहां पे आर्मी के कैंप आते हैं, इसका हमें बहुत ज़्यादा ये फायदा हो रहा है। तो हम पहले तो ये आर्मी पहले बॉर्डर्स पे होते थे, बट अभी हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं इतने दूर दूर तक, हम इनका बहुत ज़्यादा थैंक यू करेंगे और हमें इनका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे इन्हें दूर दूर से लोग आ रहे हैं, देख सकते हो आप इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो ऑफकोर्स उधमपुर पंचारी के गांव अपर बंजाला में एक 4 साल बच्ची को तेंदुआ घर के अहाते से उठाकर ले गया। मुकामी लोगों ने इसकी मश्क शुदा लाश गुज़िश्ता रात उसके घर से 2 किलोमीटर दूर बरामद की। इतला मिलने के बाद पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान मौके पर पहुंचे। मुतवफ़ी की शिनाख्त 4 साल तनु के तौर पर की गई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर मुंतकिल किया। कानूनी लवाजमात और पोस्टमार्टम के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए अहले खाना के हवाले कर दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से आदमखोर तेंदुए की तलाश
की जा रही है। मुतलका महकमा और इंतजामिया ने लोगों से इस जानवर के पकड़े जाने तक मुतहरक रहने और अपने बच्चों को कड़ी निगरानी में रखने और गैर जरूरी तौर पर शाम के औकात में बाहर न निकलने की अपील की है। मेरा दिनेश कुमार नाम है, मैं रोड में रहता हूँ और मेरी बेटी ने उसने चित्रा ने खाया उसको, रात को बाहर गई हो उसने चित्रा ने उसको उठा लिया, हमने रोला रोला पाया उधर उधर बहुत दूर से जार से मिली हमको जाके, कुछ होना चाहिए इसका, इंसाफ होना चाहिए कुछ। पहले भी उधर बहुत बार आया है चित्रा, बहुत बार आता है उधर। हम उसी गाँव में रहते हैं नीचे, और जब शोर शराबा शुरू हुआ तो हमने एक दूसरे को पूछना शुरू किया फ़ोन करके कि क्या हुआ है भाई, क्या जब पता चला कि एक छोटी 4 साल की बच्ची को चीता उठा के ले गया घर से, बिल्कुल घर के दरवाजे के दरवाजे से उठाया, तो सभी गांव के लोग कम से कम 400 लोग इकट्ठे हो गए होंगे और सभी ने जंगल को घेरा मार लिया और लोग एक दूसरे को आवाज़ें भी लगाते रहे। फिर जब कोई लगातार 1.5 घंटा जब ऑपरेशन चला हमारा, 1.5 घंटे के बाद जब लड़की की हमें बॉडी मिली उधर से, तो वो लोग सांस नहीं ले पा रही थी उस टाइम, उसी के बाद हमने देखा कि वो जंगली जानवर जो है चीता जो हमारे आगे पीछे ही बार बार अटैक कर रहा था, तो हम डरे सहमे एक जगह पे सारे लोग इकट्ठे होके बैठ के उसके बाद करीब 1:30 बजे के करीब हमारे लिए मसीहा बने SHO उधम पर रघुवीर सिंह जी, वो उधर गए और उनकी पूरी नफरी जो थी वेपन के साथ, तब उन्होंने हमें कवर करके उधर जंगल से बाहर निकाला। पटन पलहालन के सदरवल इलाके में मशहूर कश्मीरी पंडित शायरा निमाल नाम से एक तारीखी चश्मा मौजूद है। सरकार की अदम तवज्जोही की वजह से यह चश्मा खस्ता हाली का शिकार है। इस चश्मे में आज भी काफी मकदार में पानी मौजूद है। मुकामी लोगों ने इस चश्मे के पानी को पीने के काबिल बनाने का मुतालबा किया। पलहालन के सरपंच शहनवाज अहमद का कहना है कि जहां सरकार हर घर नल हर घर जल का नारा दे रही है, वहीं ऐसे अच्छे चश्मे की देखरेख इंतहाई जरूरी है। अगर इन चश्मों को ठीक किया जाए तो पीने के पानी की किल्लत किसी हद तक दूर हो सकती है। जो ये चश्मा आजकल हम आपको दिखा रहे हैं, ये तारीखी चश्मा यहाँ पे जो है, ये बहुत पुराना चश्मा है। एकदम हमारे यहाँ पहले पंडित रहा करते थे, कश्मीरी पंडित, तो उनकी एक मशहूर पंडिता थी वो, ना मतलब वो एकदम शायरी में शायरी अंदाज में थी और बहुत मशहूर थी वो, जिसका नाम अरनिमाल, अरनिमाल के नाम पे ये चश्मा आज भी मशहूर है, उसी के नाम पे माना जाता है, उसी के नाम पे इसकी ज़मीन भी जितनी भी है उसी के नाम पे है। तो आज मैं अगर इसकी देखता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा खस्त हो चुका है, अब आजकल गवर्नमेंट अमृत सरोवर, इसका नाम अब अमृत सरोवर देते हैं, तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो थोड़ा इसको देखें, इसको अमृत सरोवर में लाए। ये इसकी पानी जो है काफ़ी मीठी भी है और काफ़ी अच्छी भी है। इसकी जानिब से जहाँ जल जीवन मिशन के तहत मुख्तलिफ जगहों पे पीने के पानी के हवाले से कामकाज किया जा रहा है और इस हवाले से जो पानी की मुश्किलात हैं उनका अजाला किया जा रहा है, उसी सिलसिले में अगर कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जो चश्मे मौजूद हैं, तारीखी चश्मे मौजूद हैं, अगर उनकी देखरेख की जाए तो यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे जो पानी के मुश्किलात दरपेश हैं उनका अजाला यानी बखूबी हो सकता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम शुमाली कश्मीर के पटन के सदरबल इलाके में हैं और यहाँ एक तारीखी चश्मा जो है वो मौजूद है। यहाँ मुकामी लोगों के मुताबिक इसका अरनिमाल चश्मा जो नाम है और इसमें काफ़ी मकदार में जो पानी है वो मौजूद है। यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस तारीखी चश्मे की देखरेख की जाए और उसकी साफ सफाई की जाए और इसका पानी जो है वो पीने के लायक बनाया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पलहालन पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। जिला बारामूला के सब डिवीजन पटन में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे के पास ITI मनी बाईपास रोड को ताबीर करने की मांग अरसे दराज से आम लोगों और पंचायती नुमाइंदे कर रहे थे। इंतजामिया ने अभी सड़क का तामीराती काम शुरू कर दिया है। इस सड़क पर तामीराती काम और मैग्नमाइजेशन का काम शुद्धोमत से जारी है। सड़क न होने की वजह से आम लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही थी, अब सड़क की तामीर से लोगों को राहत मिलेगी। पलहालन के सरपंच शहनवाज अहमद और दीगर लोगों ने ITI पटन जिला मनीबाई पास रोड को गाड़ियों के जाम से निजात दिलाने पर LG इंतजामिया, DC बारामूला और SDM पटन की काविशों को सराहा है। इन्होंने इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। पर साल हमने ये रोड यहाँ पे एक उठाया है
मनी बाईपास, पटन का मनी बाईपास जिसको हमने नाम रखा है ITI मनी बाईपास। तो इसमें से मेरे साथ साथ मेरा पटन का SDM साहब, इसने भी साथ साथ मेरा शाना बशाना रहा इस रोड पे। अक्सर पटन में जाम हुआ करता था, बारामूला के या कुपवाड़ा के जितने भी लोग आते थे जिनको श्रीनगर जाना था, कभी कभार डिलीवरी हो या कुछ हो, ईमारदारी हो या तीमारदार, तो वो सभी उनको जाम में दो दो घंटे तीन तीन घंटे रहना पड़ता था। तो उस कारण हमने ये इंस्टीट्यूट लिया कि हमने ये यहाँ पे ये बाईपास जो चूज़ किया, अब तो ये बाईपास बन गया है। तो इस पे से पहले डिपार्टमेंट ऑफ RD उसने पैसे खर्च सर्व किए हैं, उसके साथ साथ आज अब ये RNB ने हैंड ओवर किया है। तो RNB आज इस पे अब ब्लैक टॉपिंग कर रहा है, तो इनके भी हम शुक्रगुजार हैं, साथ साथ हम LG गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आदाब।